हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ओप्पो A31 के बारे में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। प्राइस अंडर 30,000 है, मतलब 28 से 30 के बीच में है। तो गाइस, ओप्पो A31 की जो प्राइस कंफर्म की गई है वो है 30,000 रुपए। अब बात करते हैं ओप्पो A31 की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस फोन का जो प्रोसेसर है वो है हीलियो P35, जो कि हमें 20 से 22,000 के फोन में देखने को मिलता है। और यहाँ पर 6.5 इंच का LCD है, जो कि 720p पिक्सल्स वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको 480 ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा सा ब्राइटर होगा। इसकी जो फ्रंट पे प्रोटेक्शन है वो है गोरिल्ला ग्लास 5 की, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है यहाँ पर ओप्पो A31 के बारे में। बाकी इसमें कोई खास फीचर नहीं है। 4GB का रैम होगा, 128GB का स्टोरेज आपको मिलेगा, eMMC 5.1 का होगा स्टोरेज। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। और डेप्थ सेंसर यहाँ पर कोई टेलीफोटो नहीं है, कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है। और फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। कोई स्लो मोशन इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, और तो और इसमें कोई 4K की सपोर्टिंग भी नहीं है। इस फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो बैक साइड पे है, रेयर माउंटेड है। और इसमें आपको जायरो की सपोर्ट देखने को मिलती है, और नॉइस कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिलता है। इसके अंदर जो बैटरी है वो है 4230mAh की, जो कि कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग है नॉर्मल। और इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो नॉच वाला है, कोई पंचोल वगैरह कुछ पॉपअप वगैरह भी नहीं है। जो आपको मैं इसको अच्छे से रेकमेंड करूं, तो मुझे कोई ऐसा सिंगल फीचर भी नहीं मिला कि जो इस फ़ोन को बिकने का रीज़न दे। कुछ टाइम पहले ओप्पो A5 2020 आया था इसी रेंज में, 28 से 30 के बीच में। तो उसमें आपको अच्छी चीज़ें मिलती थी, क्वाइट कैमरा सेटअप, और तो और काफ़ी अच्छे फीचर्स है। स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर था, तो इसमें कोई खास रीज़न बनता ही नहीं है। इसके फीचर्स के हिसाब से ये फ़ोन 22,000 से ऊपर आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इसके कोई खास फीचर्स तो है ही नहीं। जैसे कि प्रोसेसर वगैरह वो भी इसी रेंज का है, कैमरा कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अल्ट्रा वाइड भी नहीं है, टेलीफोटो भी नहीं है, नॉच वाला डिस्प्ले है, वही सेम चीज़ें हैं। तो ये ओवर प्राइस फ़ोन है, इसको साइड में करो और आप ले लो इन्फिनिक्स नोट 7, वो काफ़ी अच्छा है इसके मुकाबले। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया, मैं बता भी नहीं सकता कितना पसंद आया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ओप्पो A31 एक ओवर प्राइस फ़ोन है, डोंट बाय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।